चिंदा ये तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग डैम देखेंगे जो नया बना है बरेली में, अभी हाल ही में बना है। मेरे घर से ये लगभग 15-20 किलोमीटर है, मेरे को आधा घंटा यहाँ पे आने में लग गया। तो मैं आपको चलिए आज डैम दिखाता हूँ। तो लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ में नितिन भाई आए हुए हैं। नितिन भाई हेलो। हम लोग दोनों बाइक से आए हैं, तो अभी हम लोग डैम देखने चलते हैं। और हाँ, मैं उससे पहले आपको ये पुल दिखाता हूँ। ये जो पुल बना हुआ है सामने आप देख रहे हैं, इसके उधर वाला पुल, उसको लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन डैम नहीं आया है। तो वो पुल को 100 साल हो गए, तो इसलिए ये दूसरा बनाया हुआ है। लेकिन जब भी उस पुल पे जाओ तो डर लगता है, लगता नहीं लगता, वो हिलता है पूरा एकदम, धक 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 हिलता है। तो इसलिए नया पुल ये बन रहा है। हम लोग ये कच्चे से रास्ते से आए हैं, तो देख रहे हैं ये। अभी हम लोग चाहते तो पुल के ऊपर से भी घूम के आ सकते, लेकिन वो हमें लंबा पड़ता थोड़ा। तो अभी हम चलते हैं डैम देखने। लौकी बेच रहा है और लौकी कम बेच रहा है, ये गाने ज़्यादा सुन रहा है। लौकी क्या रेट करी बेटा बताओ? ये देखो ये गाने सुन रहा है, लौकी की पदरी क्या है। मैं बोल रहा हूँ क्या रेट करी, सुन ही नहीं रहा है। लौकी क्या रेट करी बता भैया? 20 है। 20 रुपये किलो? हाँ भैया, एकदम ताज़ी लौकी है। ये इनकी ये पालेज है ना? हाँ भैया, बढ़िया लौकी है यार। चलो हम लौट के आते हैं, फिर खरीदते हैं, ठीक है? सही है, सही है, सही। तो रोज ही मिलते हो? रोज तो बिक जाती है सारी? चलो बढ़िया है, लौकी लौट के खरीद लेंगे। तब तक हम आते हैं डैम घूम के, ठीक है बेटा भाई? रामगंगा से है। रामगंगा से हैं? और आप कहाँ से हो? यहीं से। हम भी यहीं से। बड़े अच्छे बच्चे थे एकदम। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ बरेली का ये मालूम बरेली का एंड है, लेकिन हर साल लगभग हर साल बरेली यहाँ से 2-3 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ती जा रही हो आगे के लिए। अभी ये पहले एंड था, लेकिन जो अब न्यू सिटी बन रही है ना, उसके हिसाब से ये एंड नहीं है, उसके हिसाब से बरेली काफ़ी दूर तक है। हम नीचे डैम में चलते हैं, देखते हैं पानी वानी कितना है। आहा, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है शाम के टाइम। मैं आधे घंटे पहले आ गया था, लेकिन आधे घंटे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी यहाँ पे एकदम मस्त मौसम हो चुका है। एकदम पानी पानी। बहुत ज़्यादा मच्छी मार रहे हैं। अच्छा, ये चाचा हमारे मच्छी मार रहे हैं। देखो चाचा मारी थोड़ी बंद मारी। अच्छा अच्छा, मच्छी बच्ची तो बहुत ज़्यादा मार ली। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे बहुत लोग शाम के टाइम यहाँ पे मच्छी मारने आते हैं। देखिए यहाँ पे मच्छी मार रहे हैं, ये देखो। मेरे को लगता है यहाँ पे सब मच्छी मार रहे हैं। बढ़िया, एकदम घूमने लायक, एकदम मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। ये करीब पिछले 3-4 साल से बंद है लगातार, अभी ये फाइनली पूरा हो चुका है लगभग। इसमें वही है कि मोटर की तरह क्या लगा है इसमें? रील है। अच्छा, वो धागे की रील है? वो है, इंग्लिश में ची बोलते हैं उसे। हाँ, वो इसके अंदर जो पीछे लगा हुआ है वो उसका रील है। हाँ, चाहो। हाँ, अगर बड़ी मछली फंस जाती है। हाँ, 5 किलो की। हाँ, तो डायरेक्ट नीचे जाती है, उसे छोड़ा जाता है, खिलाया जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी जो बड़ी मछली फंस गई उसमें तो सीधे नहीं खींच सकते हैं? मतलब ताकत होगी ना तो छोड़ो, फिर भागेगी, फिर खींच लो। हाँ, पहले ऐसे खींच लो, करीब में आएगी, फिर ताकत लगाई। हाँ, तो मतलब ये तगड़ा होता होगा ये, मतलब जो धागा है। हाँ, मतलब इसकी क्षमता है 15 किलो तक की मछली। 15 किलो तक की मछली आराम से आ सकती है। तो ये भैया ने बताया, मतलब ये जो रील, अभी आपको दिखाता हूँ रील, अभी आपको पास में दिखाता हूँ। ये मेरे को नहीं पता था पहले, अभी मेरे को पता चला है। ये जो भी पता है, इसमें ये जो रील दिख रही है ना,
इसमें जो धागा बंधा हुआ है, मतलब इसमें कोई भी बड़ी मछली फंस जाती है लगभग 10 किलो या 12 किलो, तो ये आराम से इसकी रील से बहुत दूर भागेगी तो ये उसके साथ साथ चली जाएगी रील, तो आराम से आ सकती है, क्योंकि अगर सीधे तो ये टूट जाएगा अगर ज़्यादा ताकत लगेगी तो। इसलिए ये रील के थ्रू बहुत लंबा, मतलब जहाँ भी जाए जितनी रील हो वो आराम से आ सकती है, इसलिए ये है। ये मेरे को अभी पता चला है, ये एक नया एक्सपीरियंस मिला है मेरे को। तो लगभग आज कुछ पकड़ी नहीं पकड़ी आज? बैग में है। अच्छा, उसमें दिखाया मछली, दिखा दे। अभी आपको मछली दिखाई, एक भैया ने मछली पकड़ी है, अभी आपको दिखाते हैं बैग में है नहीं है जिंदा है ये तो जिंदा मछली है तो ये देखो, ये देखो इसमें जिंदा मछली है, मेरे को डरा रही है एकदम, उबल गई मछली, अभी देखो मछली मिलन कहाँ होगा। अरे हाँ, ये तो फड़फड़ा रही है, एकदम जिंदा मछली है ये। अब ऐसी मछली मिले जिंदा तो अलग ही बात है, मैंने ज़्यादातर मछली जो भी बेचते हैं ना वो 2 दिन पुरानी 3 दिन पुरानी बेचते हैं मार्केट में, लेकिन ये एकदम ताज़ी मछली है। बढ़िया, चलो ऊपर डैम पे चलते हैं। तो हम डैम पे आ चुके हैं, अभी हम आपको डैम दिखाते हैं। ये देखिए सामने, ये पूरा डैम है एकदम। यहाँ भी लोग मछली मार रहे हैं, यहाँ पे मछली बहुत मार रहे हैं लोग एकदम। ये डैम मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ, और मैं आपको ये बताऊँ ये डैम बेसिकली क्यों बना है। वैसे तो सबको, सभी को पता है डैम क्यों बनता है, पानी रोकने को बनता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, खेती करने वाले हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो बेसिकली उनके लिए बनाया है ताकि उनके लिए पानी आराम से मिल सके। थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर भी लोग काफ़ी लोग मछली ज़्यादा मारते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यार रात होने वाली है, सूरज डूबने वाला है, अभी तो मेरे को भी घर पे निकलना है, तो अभी थोड़ा हम घूम ले रहे हैं फिर हम ब्लॉग का एंड करते हैं। यहाँ पे यार ये पत्थर रखे हैं, एकदम बड़ा ही प्यारा व्यू आएगा, फोटो खिंचाओगे आराम से। यहाँ पे आते भी लोग रहते हैं, यहाँ पे सूट बहुत होता है, फोटो सूट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं थोड़ा आपको आगे दिखाता हूँ, ये तो यार बड़ी डरावना है, ये तो नीचे देख के चलना पड़ रहा, अगर पैर नीचे गए ना तो हाथ नहीं गया, एकदम सीधे नीचे जाके गिरेगा। तो अगर आप यहाँ पे घूमने आना चाहें, कभी भी आप बरेली में रहते हो या फिर बरेली के बाहर से भी आना चाहें, तो ये जंक्शन से लगभग 5 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर पे आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो यार आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताएं, जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताएं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी हम लोग काफ़ी घूम चुके हैं, तो मैं थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेता हूँ, फिर हम वीडियो का एंड करते हैं। तो यार फोटो शूट कर लें, इतनी दूर आए तो। तो फोटो शूट हमने कर लिया है, तो अब हम वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।